ठीक है, नव भारत वेंचर्स इसका नाम अब नवा हो गया है। ठीक है, चलिए दर्शन, आपने ये अपडेट भी किया, इसको हम अपडेट कर लेंगे अपने डेटाबेस में भी। लेकिन बताइए आपके पास कितने शेयर हैं और कब तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको? 350 शेयर्स है, 220 का मैंने होल्डिंग किया हुआ है। 226 रुपए के भाव पर ये शेयर हैं, 350 की संख्या है, और हमने साल भर में इस शेयर को डबल होते हुए देखा है। कुणाल, नव भारत वेंचर्स यानी कि नवा, हमने देखा था कि अब 52 वीक हाईस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 280 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। क्या भी होगा इसमें आपका शेयर में? अभिषेक, इस काउंटर ने 18 अगस्त को एक नया हाई बनाया था, वो था 279 का। वहां से गिरकर ये काउंटर आया था 175-180, और फिर से अब ये लेवल वहीं पे पहुंचा है, दैट इज 280 लेवल्स, जो इसने करीब 3 दिन पहले कुछ हाई बनाया था। सो प्रीवियस हाई जो है वो शायद थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि ये काउंटर डिसाइसिवली 275-280 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो यहाँ से एक नई रुझान शुरू हो सकती है। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इसकी रुझान तो पॉजिटिव ही है। सो एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। इस काउंटर में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा, वो है 250 का। जब तक ये काउंटर 250 के ऊपर टिका हुआ है और स्लोली एंड स्टेडिली अपनी रुझान कंटिन्यू कर रहा है, प्लीज बने रहे। इसमें दी हायर लेवल्स कैन बी से 290 टू 295 लेवल्स।